So, you must make the right choice. इसलिए आपको सही चुनाव करना चाहिए. Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambition and his character. फिर से किस प्रकार की स्त्री जो एक पुरुष चुनता है उसकी आकांक्षाओं और चरित्र को प्रतिबिंबित करता है. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character. यदि एक पुरुष गलत स्त्री को चुनता है तो ये उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करता है. And what he ties himself to shows truly what's in him. और जो कुछ उसके अंदर सही में है वही वह उसे दिखाने का यत्न कर रहा है. A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife. एक स्त्री इस बात को प्रतिबिंबित करती है जो पुरुष उसे अपनी पत्नी होने के लिए चुन रहा है उसमें क्या है. It shows what's down in him. ये दिखाता है उसके अंदर क्या है. No matter what he says outside, watch what he married. बाहर से वो क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं. देखिए वो विवाह किससे कर रहा है. I go to a man's office and he says he's a Christian. मैं एक व्यक्ति के कार्यस्थल पर जाता हूँ और वो कहता है कि वो मसीह है. Pin-ups all around the walls. उसकी दीवारों पर चारों ओर नंगी तस्वीरें लगी हुई हैं. That old bloodly woodly music going on. भोंडा संगीत बज रहा है. I don't care what he says, I don't believe his testimony. मुझे चिंता नहीं कि वो क्या कहता है मैं उसकी गवाही का विश्वास नहीं करता. Because his spirit's feeding on them things of the world. क्योंकि उसकी आत्मा संसारिक वस्तुओं को ग्रहण कर रही है. What say if he would marry a coarse girl? क्या कहे यदि वो गाने वाली लड़की से विवाह करे. Or what if he'd marry a sex queen? या क्या हो यदि वो यौवन सुंदरी से विवाह करे. Or just a pretty modern Ricketta? या सुंदर आधुनिक आवारा से. It reflects, it shows what he has in his mind of what his future home's going to be. ये प्रतिबिंबित करता है और दिखाता है कि वो अपने मस्तिष्क में भविष्य में कैसा घर बनाने जा रहा है. Because he took her to raise his children by. क्योंकि उसने उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चुना है. And whatever she is, that's the way she'll raise those children. और वो जैसी भी है उसी प्रकार से वो उन बालकों का पालन पोषण करेगी. So it reflects what's in the man. इसलिए ये प्रतिबिंबित करता है कि उस पुरुष में क्या है. A man that takes a woman like that shows just what he's thinking of the future. एक पुरुष जब एक स्त्री को इस प्रकार से लेता है वो केवल ये प्रकट करता है कि वो अपने भविष्य के लिए क्या सोचता है. Could you imagine a Christian doing a thing like that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मसीह इस प्रकार से कर सकता है. No, sir, I could not. नहीं श्रीमान मैं नहीं कर सकता. A true Christian will not look for such beauty queens and coarse girls and sex queens. एक सच्चा मसीही ऐसी सुंदरियों और गाने वालियों और यौवन सुंदरियों को नहीं ढूंढेगा. He'll look for Christian character. वो मसीही चरित्र को ढूंढेगा. Now you can't have all things. अब आप सारी चीजें नहीं पा सकते. There might be one girl that's real pretty. एक लड़की हो सकती है जो कि सही में सुंदर हो. And the other girl, maybe she's a Her statue looks better than this one. और दूसरी लड़की हो सकती है जिसका की रूप इससे अच्छा ना हो. And you might have to sacrifice one for the other. और आपको एक के लिए दूसरे को बलिदान करना ही पड़ेगा. But if she's not the statue of a lady or of a woman. परंतु यदि वो महिला की तरह सुगढ़ नहीं है स्त्री वाले. And she, I don't care whether she's pretty or not. और वो मैं चिंता नहीं करता कि चाहे वो सुंदर है या नहीं. You better look at her character. अच्छा है कि पहले आप चरित्र को देखें. Whether she's pretty or not pretty. चाहे वो सुंदर है या नहीं. Now, for it is becoming if a Christian would choose a wife, he ought to choose a genuine born again woman. तो अब ये हो गया है कि यदि एक मसीही एक पत्नी चुनता है उसे चाहिए कि एक सच्ची नया जन्म पाई स्त्री को चुने. Regardless of what she looks like, इससे कोई मतलब नहीं कि वो कैसी दिखाई पड़ती है. It's what she is, what makes her. ये वो है कि वो क्या है दर्शाता है. And then again that reflects his own godly character. और तब फिर से ये उसके अपने भक्तिपूर्ण चरित्र को प्रतिबिंबित करता है.
and reflects what's in his mind and what's going to be in the future for his family. और ये प्रतिबिंबित करता है कि उसके मस्तिष्क में क्या है और उसके परिवार का भविष्य क्या होगा, will be raised by such a woman. जिसका पालन पोषण ऐसी स्त्री के द्वारा किया जाएगा. For the future plans for his home. उसके घर के भविष्य की योजना के लिए. If he marries one of these little modern rickettsias sex queens, what could he expect? यदि वो आधुनिक मदमस्त यौवन सुंदरी से विवाह करता है तो वो उससे क्या आशा कर सकता है? What kind of a home could a man expect to have? वो व्यक्ति किस प्रकार के घर पाने की आशा कर सकता है? If he marries a girl that ain't got enough moral about her to stay home and take care of a house and wants to work out in somebody's office. यदि वो ऐसी लड़की से विवाह करता है जिसके अंदर अपने विषय में इतना भी विवेक ना हो कि उसे घर में ही रहना चाहिए और घर की देखभाल करना चाहिए और वो बाहर किसी के दफ्तर में काम करना चाहे, What kind of a housekeeper will she be? वो घर देखने वाली किस प्रकार की होगी? You'll have babysitters and everything else. आपको आया वगैरह वगैरह और हर चीजें रखनी होंगी. True. ये सच बात है. Now, I'm not much of this modernistic taste. Of women working. अब मैं काम करने वाली आधुनिक स्वभाव वाली स्त्रियों के पक्ष में नहीं हूँ. When I've seen these women with these uniforms on riding around in this city on motorcycles as police. जब मैंने वर्दी धारण किए हुए मोटरसाइकिल पर पुलिस के रूप में स्त्रियों को नगर में घूमते देखा, It's a disgrace to any city that let a woman do that. ये किसी भी नगर के लिए लज्जा की बात है जो कि स्त्रियों को ये करने देगा. As many men that is out work. जबकि बहुत से पुरुष बेरोजगार हैं. It shows the modern thinking of our city. ये हमारे नगर के आधुनिक विचार को दर्शाता है. It shows the degrading. ये हमारे मान भंग को दर्शाता है. We don't have to have them women out there like that. हमें स्त्रियों को इस तरह से बाहर नहीं घूमने देना चाहिए. They ain't got no business out there like that. उनका इस तरह से बाहर घूमने का कोई मतलब नहीं. God gave a man a wife, he gave him the best thing he could give him outside of salvation. जब परमेश्वर ने एक पुरुष को एक पत्नी दी तो उसने उद्धार के अलावा उसे सबसे अच्छी चीज दी वो जो दे सकता था. But when one goes to trying to take a man's place, परंतु जब कोई पुरुष का स्थान लेने का यत्न करे, then she's got the worst thing that he could get a hold of. तो वो स्त्री जो कुछ उसके पास है उसमें सबसे खराब चीज है. Oh, that's right. अब ये ठीक बात है. Now we can see the spiritual application. अब हम इसका आत्मिक रूप में लागू होना देख सकते हैं. I know that's bad. You think it's bad, but it's the truth. मैं जानता हूँ कि बुरा है. आप सोचते हैं ये बुरा है, परंतु ये सत्य है. We don't care how bad it is. We got to face up to the fact. हम चिंता नहीं करते कि ये कितना बुरा है. हमें सच्चाई का सामना करना है. That's what the Bible teaches. ये बाइबल सिखाती है.